अंग्रेजी के जो है पर्सनालिटी शब्द से लिया गया है। यह पर्सनालिटी शब्द हिंदी का रूपांतर है जिसमें व्यक्ति प्राचीन समय में नाटक करते समय तरह तरह के जो है रूप बदला करते थे और वह उनके जो है व्यक्तित्व के में जो है वह सहायक होते थे। तो इस तरह से जो है व्यक्तित्व का अर्थ वाह रूप रंग इत्यादि से जो है लिया जाता है कि व्यक्ति जो है किसी समय जो है किसी रूप किसी तरह का जो है रूप बनाता है और किसी समय जो है किसी दूसरे तरह का जो है रूप प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से जो है प्राचीन समय में जो है व्यक्तित्व शब्द व्यक्ति के जो है वाह रूप रंग तथा जो है आकार से लिया जाता था। इनमें जो है व्यक्ति जब नाटक करता था या जो है लोगों को बहलाने के लिए, क्योंकि उस समय जो है चलचित्र का कोई किसी प्रकार का कोई जमाना नहीं था, मनोरंजन के लिए किसी प्रकार का कोई जमाना नहीं था, तो इस तरह से जो है वह अपने व्यक्तित्व को जो है अपने जो है व्यवहार को तरह तरह का जो है रूप देने का कार्य करते थे। तो इस तरह से जो है व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के रूप रंग इत्यादि से जो है लिया जाता है। तो व्यक्ति जो है व्यक्ति के व्यवहार रूप रंग के आधार पर जो है लिया गया। तो इस तरह से व्यक्तित्व के प्रकार युग के अनुसार जो है व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व, तीसरा उभयमुखी व्यक्तित्व। तो पहला जो है अंतर्मुखी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो किसी भी कार्य में या किसी शब्द को जानते हुए उसे प्रदर्शित नहीं कर पाता है, क्योंकि जो है वह अपने आप में ही खोया रहता है, अपने आप में मस्त रहता है, वह दूसरों के विचारों को जो है वह नहीं प्रदर्शित करता है, दूसरों की तरह जो है विचारों को नहीं जानने का प्रयास करता है, या जानता भी है तो उसे प्रदर्शित नहीं करना चाहता है। वह जिस तरह से जो है व्यक्ति जो है जानता बहुत कुछ है लेकिन जो है उसे प्रकट नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अंतर्मुखी होता है। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है इत्यादि जो है ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। दूसरा जो व्यक्तित्व के प्रकार है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। इसमें व्यक्ति जो है वक्ता होता है, वह जानता कुछ कम है तो भी जो है वह उन बातों को दूसरे जो है बातों को समावेश करके उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो है वह वक्ता होता है। जिस तरह से जो है जैसे वकील है, अध्यापक है, ये जो है बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। अगर जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति जो है अगर वह अपनी वाणी द्वारा अगर उसको व्यक्त नहीं कर पाता है, अंतर्मुखी व्यक्ति जैसे जो है उसको अपने आप में जो है अंदर की बातें जो है अंदर ही रखता है तो वह जो है लोगों का लोकप्रिय नहीं बन सकता है। अध्यापक जैसे कहने का तात्पर्य है कि अध्यापक जानता बहुत कुछ है, अगर वह जान करके वह बच्चों के बीच में वो उसको प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो वह जो है हंसी का पात्र होता है। इसी प्रकार जो है वक्ता जो है अधिवक्ता जो है होता है। इस तरह से जो है बहिर्मुखी व्यक्ति जो है जैसे हमने आपको बताया कि जो है वकील है, अध्यापक है, यह वक्ता प्रवृत्ति के होते हैं। अगर यह वक्ता नहीं होंगे वह अपने अंतर्मुखी व्यक्ति जैसा जो है अंदर ही उस चीज़ों को रखेंगे तो वह हंसी का पात्र हो जा सकते हैं, क्योंकि जो है छात्रों के बीच में अध्यापक जानता बहुत कुछ है अगर उसको प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है वक्ता होना चाहिए और वक्ता होता है। तीसरा जो है उभयमुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व वाले जो है इन्होंने जो है कहा है कि तीसरा व्यक्ति जो है उभयमुखी होता है। उभयमुखी व्यक्ति दोनों का जो है सम्मिश्रण होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का, क्योंकि जो है ऐसे व्यक्ति जो है ज्यादा जो है न बोलते हैं और न तो ज्यादा जो है चुप रहते हैं, न तो वह अंतर्मुखी होता है न ज्यादा बहिर्मुखी होता है।
जो चीजें जो है उसको बोलना चाहिए, वही चीजें जो है वह समाज में या जो है औरों के सामने या जो है किसी के सामने उन बातों को जो है प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से जो है वो भी उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है इस दोनों की अपेक्षा जो है ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरह से लिंगों के अनुसार व्यक्तित्व जो है तीन प्रकार का।